ये भौतिक दुनिया ऐसा लग रहा है कि अपने आप चल रहा है, पर इसके पीछे भगवान का हाथ है। वो शक्ति के बिना ये भौतिक दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए प्रभुपाद ने वो पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। कुछ भी चीज जीवित लगता है इसका मतलब है आत्मा है। जैसा हमारा शरीर, शरीर तो जड़ है पर अभी जीवित लग रहा है क्योंकि आत्मा है, स्पिरिट है। जब स्पिरिट निकल गया शरीर जड़ ही रहेगा, उसके पास शक्ति नहीं है अपना स्वयं का। तो वैसे ये भौतिक दुनिया, जब गर्भोदक श्री विष्णु प्रवेश करते हैं ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, तब ये ब्रह्मांड में एक्टिविटी, जैसे गर्भ में, मां के गर्भ में जब बच्चा प्रवेश करता, आत्मा प्रवेश करता है, तो वो गर्भ में एक्टिविटी शुरू होता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के आत्मा वो भगवान है, हिरण्य गर्भ। ये पूरा सृष्टि कितने सालों से चल रहा है, एक भी दिन गड़बड़ नहीं होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज नहीं आया, एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्र नहीं आया, कभी नहीं हुआ। मतलब कितना मैनेजमेंट है। जैसे क्लॉक है, क्लॉक रूम होता ना, वो बैटरी जब चला जाता है क्लॉक रूम जाता है, तो किसी को जाकर बैटरी चेंज करना है। पर ये क्लॉक क्या करता है, टाइम बताता है, पर टाइम को मूव करने वाले कौन है, भगवान है। उसका बैटरी कभी खत्म होता है क्या, कभी नहीं, चलता रहता है साइकिल। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि भगवान का हाथ है।